पिछली बार मैंने गुणसूत्री परिवर्तन में आपको डिलीशन के प्रकार बताए थे, अब दूसरी है द्विगुणन या डुप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। जब गुणसूत्र में किसी स्थान विशेष पर जीन समूह के अलावा जीनों का एक अतिरिक्त समूह उपस्थित होता है तो उसे द्विगुणन कहते हैं। इनमें गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि होती है। द्विगुणन भी चार प्रकार का होता है। पहला है टैंडम या अनुक्रमी, अनुक्रमी द्विगुणन। दूसरा है रिवर्स टैंडम, इसको कहते हैं प्रतिलोम द्विगुणन। तीसरी प्रकार का है डिस्प्लेस्ड या इसको विस्थापित द्विगुणन कहते हैं। और चौथे प्रकार का है ट्रांसलोकेशन, इसको कहते हैं पक्षांतरण। तो ये चार प्रकार के द्विगुणन होते हैं। सबसे पहला है टैंडम या अनुक्रमी द्विगुणन। गुणसूत्र के किसी खंड के बाद ही उसी खंड की पुनरावृत्ति हो तो हो तथा उसी क्रम में व्यवस्थित हो तो यह अनुक्रम द्विगुणन कहलाता है। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगी। जैसे ये है नॉर्मल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है कि बीच में सेंट्रोसोम होती है और ये दोनों भुजाएं होती हैं। अब इसके ऊपर खंड हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एच आई जे और के इस वाली भुजाते हैं। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। और जब इसमें अनुक्रमी द्विगुणन होता है तो इसमें क्या होता है, ए बी सी तो खंड है ही है लेकिन ए बी सी दोबारा जुड़ रहा है इसमें, और उसके बाद है डी ई एफ और जी, एच आई जे के तो इधर ही है। तो ये गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि होती है क्योंकि ये हिस्सा इसमें दोबारा आ रहा है तो इससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका सॉरी डायग्राम थोड़ा लंबा बनाती हूँ। ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इससे इसमें गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि होती है द्विगुणन से। तो जो ए बी सी खंड है ये दो बार आए हैं इसमें, तो ये कहलाता है टैंडम डुप्लीकेशन। इसमें ए बी सी का द्विगुणन होता है, ये द्विगुणन हुआ है, ये खंड वापस से जुड़ा है जिससे इसके क्रोमोसोम की लंबाई बढ़ गई है। दूसरा है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। गुणसूत्र के किसी खंड के बाद ही उसी खंड की पुनरावृत्ति उल्टे क्रम से हो तो यह रिवर्स डुप्लीकेशन कहलाता है। जैसे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है तो, और अब जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा,
अब है ई डी सी एफ और जी एच आई जे के। अब जो इसमें हुआ है ई डी सी का उल्टे क्रम में जुड़ा है ये, तो इससे इसकी लंबाई बढ़ी है, उल्टे क्रम में हुआ है, तो इसको कहते हैं रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। ए बी सी डी ई खंड तो एज इट इज ही है, लेकिन जो ये जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, ई डी सी उल्टे क्रम में जुड़ा है, तो इसको कहते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। जुड़ा तो इसी में है लेकिन उल्टे क्रम में जुड़ा है, तो इसे कहते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। अब तीसरे प्रकार का है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। गुणसूत्र के किसी खंड के अलग होने पर यदि अतिरिक्त खंड उसी गुणसूत्र के सामान्य खंड से अलग होकर दूरी पर स्थित हो तो यह विस्थापित द्विगुणन कहलाता है। जैसे ये बनाया, अब इसी में बता देती हूँ नीचे ये सैंपल। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ जी पूरा आ गया और इसमें सी डी ई जुड़ा है और या एच आई जे के। नॉर्मल क्रोमोसोम में ए बी सी डी ई एफ जी तक है, इसमें क्या हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी तक तो है, लेकिन जो ये सी डी ई वाला ग्रुप है ये थोड़ा सा विस्थापित होकर के अगली आगे की ओर जाके जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। मतलब गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि हो रही है लेकिन स्थान इसका कहाँ है, जो ये खंड है ये खंड यहाँ से उठ करके यहाँ और जुड़ रहा है, तो ये है विस्थापित द्विगुणन कहलाता है। तो खंड का क्रम सी की बजाय जी के बाद सी डी ई खंड जुड़ा है तो ये विस्थापित हुआ है, यहाँ से उठ करके ये वापस यहाँ जुड़ा है, तो इसको विस्थापित द्विगुणन कहते हैं। अब चौथे प्रकार का है ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। गुणसूत्र के किसी खंड के बाद ही उसी खंड की पुनरावृत्ति यदि किसी असमजात गुणसूत्र में होती है तो उसे स्थानांतरण द्विगुणन कहते हैं। जैसे एक गुणसूत्र तो यह है और इसमें असमजात गुणसूत्र होते हैं, तो और एक गुणसूत्र है इसमें एम एन ओ पी और सी डी ई क्यू आर एस टी ये गुणसूत्र हैं। QRST ये दो असमजात गुणसूत्र, एक गुणसूत्र ये है और दूसरा गुणसूत्र ये है, तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा इस तरीके से एम एन ओ पी तक तो है ही है, लेकिन जो इसमें जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है सी डी ई, सी डी ई भाग जुड़ा है और यहाँ वापस क्यू आर एस टी। तो ट्रांसलोकेशन में तो असमजात गुणसूत्र होते हैं और बाकी जो है वो समजात गुणसूत्रों में होता है, तो इसमें जो खंड का क्रम है वो पी के बाद सी डी ई जो ये वाला पार्ट जुड़ा है, तो ये दो क्रोमोसोम के बीच में होकर ट्रांसलोकेशन वाला, ये वाला जो गुण ये वाली जो प्रक्रिया है ये समजात गुणसूत्रों में है, उसी गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जैसे ए बी सी ये ए बी सी वापस जुड़ गया तो इससे इससे गुणसूत्र की लंबाई में वृद्धि हो गई, तो ये टैंडम डुप्लीकेशन है। इसमें जो है वो
रिवर्स डुप्लीकेशन है कि ए बी सी डी ई, लेकिन ये वाला क्रम उल्टा जुड़ा है ई डी और सी वाला, तो ये रिवर्स डुप्लीकेशन है। इसमें जो हुआ है ये ए बी सी डी ई एफ जी तक जैसे इसमें है, लेकिन सी डी ई पार्ट इधर से उठ करके इधर तो है ही है, लेकिन एक बार और जुड़ा है, तो इसको कहते हैं विस्थापित या डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अब इसमें जो है वो गुणसूत्र दो असंजात गुणसूत्र है, एक तो ए बी सी डी एफ जी खंड वाला है, दूसरा है एम एन ओ पी वाला खंड है और क्यू आर एस टी वाला खंड है। अब इसमें और इसमें दोनों से जो गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि ये एम एम एन ओ पी तो है ही है, लेकिन इसमें से सी डी ई वाला भाग जुड़ा है और वो वाला एज इट इज ही है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र युगली बनाते समय लूप का निर्माण करते हैं, ये लूप पैकेटिन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डुप्लीकेशन। द्विगुणन की जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जीव सरल से जटिल होते गए, द्विगुणन से ही नए जीनों की उत्पत्ति होती है। तीसरा, लगातार उत्परिवर्तन होते रहने से ये जीन नए जीनों को जन्म देते हैं। चौथा, मल्टीपल फैक्टर बहु कारकों की उत्पत्ति भी द्विगुणन के कारण मानी जाती है। पांचवा, कभी कभी द्विगुणन का प्रभाव जीन म्यूटेशन जैसा होता है, एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में बार लक्षण। छठा, ड्रोसोफिला में बार आई या श्लाका नेत्र एक ऐसा लक्षण है जिसमें नेत्र सामान्य नेत्र से छोटे हो जाते हैं, यह लक्षण गुणसूत्र के एक भाग के द्विगुणन के कारण पाया जाता है। सातवां, पॉलीटिन क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम में एक द्विगुणन हो जाने के कारण श्लाका बार लक्षण प्रकट हुआ था।